नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक आर्डिनो नैनो से बहुत ही फैसिनेटिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आइए इसे बनाते हैं। तो देखिए, हमने एक जीरो पीसीबी ली है और हमने इसको अराउंड 1.5 सेंटीमीटर चौड़ाई से काटना है ताकि हम इसके अंदर एक स्ट्रिप निकाल सकें और इसमें हम LEDs लगा सकें। हमने ये LEDs ली हैं, यहाँ पर हमारे पास दो ब्लू हैं और बाकी 8 हमारे पास रेड है। तो हमने यहाँ पर एक लाइन लगा ली, अब हम इसको सीजर से कटिंग करेंगे। लिए अब हम इसमें LEDs लगाएंगे। कॉर्नर में हम इसे ब्लू लगाएंगे, जो उसका छोटी लेग है वो नेगेटिव है, बड़ी लेग पॉजिटिव है। आप इसको इसमें इस तरीके से लगा लीजिए, सेंटर में बिल्कुल। जिधर आप एक बार नेगेटिव देंगे तो सभी LEDs को उसी तरीके से आप लगाइएगा। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने सभी नेगेटिव एक तरफ करके जोड़ दी हैं और पॉजिटिव सब बैंड कर दिए हैं। ये पॉजिटिव वाली वायर सब इस तरफ है LED की और जो नेगेटिव लेग्स हैं वो सारी मैंने कॉमन कर दी हैं और इन सबको सोल्डरिंग कर रहा हूँ मैं। तो सो फ्रेंड्स, सारी LEDs आप चेक कर लीजिए कि एक जगह नेगेटिव देने से सभी ऑन हो रही है, नहीं हो रही है। सभी LEDs को आप चेक कर लीजिए। तो आपने कहा कि सभी LEDs चेक हो रही है, तो इतना आपको जरूरत रहेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप इसे फालतू काट लीजिए और किसी पुराने प्लास्टिक के पीस के ऊपर, जैसे स्केल या कोई पीस के ऊपर, आप इसे चिपका लेंगे ग्लू गन से। सो देखिए, आपका ये रेडी हो गया। तो आप इसमें इसे यहाँ से कर दीजिए फालतू लेग्स को और इसकी सबको इसमें ग्लू गन से आप इसको इस तरीके से यहाँ पेस्ट कर दीजिए। अब इस तरह से फ्रेंड्स, इसको ब्लू गन से इस पर लगा दीजिएगा आपका ये पूरा लाइटिंग सिस्टम। सो फ्रेंड्स, आप इसमें इसके ये पिंस लगा लीजिए और इनको सोल्डर कर लीजिए। तो हमने ये दोनों लगा दिए हेडर इस पर, ये भी लगा दिया इसके कनेक्शंस के लिए। यहाँ सभी सोल्डरिंग हो गई है। सो फ्रेंड्स, ये आपका आर्डिनो नैनो और आप इसके पिंस वैसे यहाँ लिखे रहते हैं छोटे छोटे कॉर्नर में, हमने यहाँ पर शो किए हैं। जैसे D13 है, D12 और ये D2 तक है, फिर ग्राउंड है। इसी तरह से 5 वोल्ट ग्राउंड, ये सभी पिंस यहाँ लिखे रहते हैं और उसी पिन के हिसाब से हम जुड़ेंगे जो पिन हमें यहाँ पर इंडिकेट करेंगे। तो ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आप इसे देख सकते हैं, आप उसका फोटो ले सकते हैं। यहाँ आपको LEDs मिल जाएंगे। ये वाला इसके अंदर जो इसकी वायर का इसका डाटा केबल आती है वो आप इसमें लगा लीजिए। लगाने का जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप में आप लगाइए। और देखेंगे, ये देखिए लाइट इसमें ब्लिंक हो गई, यानी कि ये कनेक्ट हो गया। अब आपके पास एक सॉफ्टवेयर आता है आर्डिनो IDE करके, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री है। तो आप इसे ओपन करिए तो इस तरह से ये एक सॉफ्टवेयर ऑन हो जाएगा। यहाँ टूल्स लिखा है, देखिए सबसे ऊपर इस जगह पे टूल्स लिखा हुआ है, इसे क्लिक करिए। यहाँ पर बोर्ड आर्डिनो ऊनो लिखा है, तो आप जानते हैं आपका जो बोर्ड है वो आर्डिनो नैनो है। तो आप बोर्ड पे जाइए और इसको आर्डिनो नैनो पे क्लिक कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, ये कोड मैंने ले लिया है नेट से और मैं इस सारे को सिलेक्ट कर लूँगा, या आप कंट्रोल ए लिख लीजिएगा और इसको सिलेक्ट करके इसे कॉपी कर लीजिए और आप अपने सॉफ्टवेयर में जाइए। और अब आप जाके इसको यहाँ पर एडिट में पेस्ट दबा दीजिए। तो आपका ये नया जो आपने सॉफ्टवेयर वहाँ से लिया है, इसका मैं लिंक दे दूँगा आपको, तो आप इसी तरह से इसको अपने यहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि हमें इसे अपलोड करना है आपने आर्डिनो नैनो में। फ्रेंड्स, आप यहाँ टूल्स को प्रेस करिए। टूल्स को प्रेस करने के बाद आप अपना प्रोसेसर सिलेक्ट कर लीजिए, 80 मेगा 328। तो आप देख सकते हैं ये भी हो गया। अब हमने क्या करना है, ये कंपाइल हो गया साइन से और अपलोडिंग करनी है। तो उससे पहले हम यहाँ देखेंगे, आप जो प्रिंटर लेटर लिखा है वो कैपिटल लेटर में YOUTUBE लिखा है। अगर आप यहाँ पर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करके
डिलीट करके आप जो लिखना चाहते हैं आप उन लेटर्स को चेंज कर दीजिए, पर आप इन्हें सबको कैपिटल्स में लिखिएगा। तो जैसे जैसे आप इनको डिलीट करते जाएंगे, पर इसके दूसरे किसी भी कॉमा या सेमी कॉलन को डिस्टर्ब मत करिएगा। लास्ट में आपको ये मैसेज मिल जाएगा डन अपलोडिंग, और जैसे ही अपलोडिंग होती है इसकी आपके बोर्ड की नीचे की दोनों जो लाइट होती है TX RX वो एक बार ब्लिंक होती है, तो मालूम चल जाता है अपलोडिंग हो गई, बस ये मैसेज आपको आ गया है। सो फ्रेंड्स, इसके कनेक्शंस करने के लिए आपको ये फीमेल वाले ऐसे कनेक्टर्स वाली वायर मिल जाएगी जो दोनों तरफ से फीमेल है। इसमें से आप 6 वायर लेंगे तो आपको 12 वायर हो जाएंगे, क्योंकि आप बीच में से काट लीजिएगा, क्योंकि आपको तो सोल्डरिंग करनी है। सो आप ये 6 वायर्स इसमें अलग कर लीजिए। अब इन वायर्स में आपको यहाँ नैनो प्रोग्राम करके लगाना है, और उसके बाद इनकी कनेक्शंस वन बाय वन आपको करते जाना है। जिस लेंथ की आपको वायर की ज़रूरत होगी आप उस लेंथ की उसे कट करके आप सोल्डर करते जाइएगा वन बाय वन। जैसे मैंने सपोज कर ये लगाया तो इसे सोल्डर कर दीजिएगा, फिर दूसरा तीसरा, जितनी आप LED लगाएंगे उतने सोल्डर कर लेंगे आप। आपके पास वहाँ पर कई डिजिटल पिन्स हैं, तो हम इसकी लेंथ बाद में डिसाइड करते हैं सोल्डरिंग करते वक्त, फिलहाल हम इसे अलग कर लेते हैं। तो आपने देखा कि आकाश इस फीमेल वाले से आपको दो दो मिलने वाले हैं, क्योंकि ये आपको अपने नैनो बोर्ड पे लगाना है ये वाला जो पोर्ट है। तो फ्रेंड्स, ये डबल टेप है, आप इस डबल टेप को अपने यहाँ पर स्केल पे लगा लीजिए या कोई प्लास्टिक का पीस है उस पर लगा लीजिए, जिससे आप इस पर एड्रेनो नैनो को चिपका सकें। अब देखिए, ये आपके LED का स्ट्रिप है, और ये सब सीधी कर लीजिए LED अपनी, ये आपका जुड़ गया। और अगर आप इसके पोर्ट्स देखते हैं इस तरीके से, तो आपको मालूम चलेगा इधर ग्राउंड फोर्थ वाली है, तो वहाँ से आप ग्राउंड वाला देख लीजिएगा कौन सा इसकी पिन है, उस पर आपको ग्राउंड का कनेक्शन आपको इस नेगेटिव जो आपने LED की पूरी सारी नेगेटिव जोड़ी थी उसके साथ ग्राउंड का जोड़ना है। और उसके बाद जितनी भी D1 D2 है, वो जैसे D2 है, D3 है, D4 है, D2 से स्टार्ट है, तो वो आप यहाँ जोड़ेंगे D2, फिर D3, फिर D4, इस तरह से आप वायर्स को इसके साथ सोल्डर करते चले जाएंगे। और वायर आप इसमें से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको जो वाला पोर्शन लगाना है वो आपको इसमें यहाँ लगा देना है। जितनी आपकी लेंथ वायर की है जरूरत है, आप उतना यहाँ पर इसको लगा के उसका कनेक्शन कर दीजिए। सो आप देखिए, ये आपका बोर्ड लग गया डबल टेप के ऊपर, या फिर आप इसे ग्लू गन से लगा लीजिए। आपने इसे ग्राउंड से आपने यहाँ पर नेगेटिव में जोड़ दिया, सभी वायर्स इसके थ्रू निकाल के पहले दूसरे, तो D2 D3 D4 से ऐसे लाइनें लगाते जाइए। तो ये देखिए, हमने इसके कनेक्शंस कर दिए वन बाय वन, तो जितने आपके ये LEDs हैं उतने आप यहाँ से आउटपुट लेते जाइए, और ऐसे वायर काट काट के इसमें कनेक्शन करते रहिए। हमने इसकी LED चेंज करी है, और ये हमने यहाँ चिपका दिया डबल टेप के साथ, और ये पुरानी बैटरी के साथ हमने इसके कनेक्शन किए हैं, और स्विच ऑन करने से इसमें पावर जाती है। अब हमें ये देखना है कि इसे घुमाकर ये घूमता है या नहीं घूमता, उसके लिए इसका बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो हमें एक मोटर चाहिए और एक पुली चाहिए, जिससे कि हम इसको इस पर चिपका के इसे घुमा सकें। तो हम इसको ग्लू गन से चिपका देते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं, ये हमने ग्लू गन से इसको चिपका दिया पुली को। अब ये मोटर के घूमने से घूमेगा भी, और जो बैटरी है ये इसको पावर दे रही है, तो जब आप पावर देंगे तो ये LEDs को पावर मिल जाएगी। अब इसमें हमें प्रोग्राम जो डालेंगे उस हिसाब से ये रिएक्ट करेगा इन LEDs के अंदर, और हम इसको 3 वोल्ट से लेकर अलग अलग वोल्टेज पे इसको रन करके देखेंगे किस वोल्टेज पे हम लोगों को इसकी जितने रेवोल्यूशंस मिल रहे हैं उसकी रेवोल्यूशन पे हमें सबको सबसे क्लियर वो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, या अक्षर जो कैपिटल लेटर्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये आपका जो Arduino है इसमें इस साइड से जो आपको बैटरी का कनेक्शन करना है वो भी देख लीजिए। जो आपकी ये फर्स्ट पिन है उस पर VN लिखा होगा, सेकेंड पिन पे ग्राउंड, यहाँ आपको नेगेटिव देना है, थर्ड पिन और फिर फोर्थ पिन पे आके 5 वोल्ट लिखा है, तो 5 वोल्ट में आपको पॉजिटिव देना है। और आपको अपनी बैटरी से ये नेगेटिव आपने यहाँ दिया, और पॉजिटिव एक स्विच के थ्रू आप बैटरी में जोड़ देंगे पॉजिटिव। ये बैटरी का पॉजिटिव है, बैटरी का नेगेटिव है। जब आप बैटरी के नेगेटिव को यहाँ जोड़ते हैं तो ये सर्किट पूरा हो जाता है। तो देख लीजिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो सेकेंड वाले में आपको नेगेटिव जोड़ना है, फोर्थ वाले में जिसमें 5 वोल्ट लिखा है वो आपके स्विच के थ्रू पॉजिटिव में जुड़ेगा। फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे तो कुछ परेशानी आएंगी, तो उसमें मैं आपको कुछ क्लियर कर देता हूँ, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप इस तरह की कोई पुरानी बैटरी यूज़ कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा 3.3 वोल्ट से 3.7 वोल्ट तक की वो बैटरी हो, हल्की हो, ज़्यादा वेट ना हो उसका। ये एक स्विच लगाया है ताकि आप ऑन ऑफ कर सकें, कंटिन्यू ऑन रहेगा। यहाँ पर एक प्लास्टिक स्ट्रिप है जिसके दोनों तरफ हमने डबल टेप लगा के थोड़ी जगह खाली छोड़ी है, जिसमें हम इस मोटर के साथ, ये 80 रुपीज़ की मोटर आई थी,
इसके साथ हमने एक जो खिलौना होता है उसका एक टायर यहाँ लगा रखा है जिसे हमने ग्लू गन से चिपका दिया है। तो ये आप जब यहाँ चिपकाते हैं तो ध्यान रखिएगा, शुरू में ही हमने थोड़ा सा इधर चिपकाया था, तो आप देख रहे होंगे उस केस में जो यू की शेप है वो कुछ इस टाइप की बनती है, क्योंकि ये गोल घूम रहा है तो उसकी सर्कमफ्रेंस छोटी और बड़ी होती है। तो जो सबसे पहली एलईडी यहाँ ग्लो करेगी वो जो अक्षर बनाना चाहती है वो अक्षर ऊपर से टेपर हो जाता है, बेटर रहेगा। आप ये दोनों तारे थोड़ी लंबी करके आप इस आर्डिनो है, ये जो नैनो है, आप इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए और इसको और आगे शिफ्ट कर दीजिए। अब इस सेंटर पॉइंट से, इस मोटर के सेंटर पॉइंट से इस एलईडी का काफ़ी दूर हो जाएगी, तो जो ये आपको फील आता था बहुत ज़्यादा, मतलब कि इस टाइप का फील आता था यू का, वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा जो अच्छा लगेगा। पर वो घूमता क्योंकि सर्कल में है, तो वो क्योंकि उसका सर्कमफ्रेंस, उसका जो सेंटर है वो यहाँ पर है, वो इसके हिसाब से घूम रहा है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये थोड़ा गैप बढ़ा दीजिएगा और इस तरह की कोई एक मजबूत मोटर ले लीजिए जिसके अंदर सॉलिड शाफ्ट हो, तो ये आपका बहुत अच्छा वर्क करेगा। और अगर आपको कोई दिक्कत आए तो इसको अंदर एक रीसेट बटन होता है, उसे दबाकर आप इसका प्रोग्राम रीसेट कर सकते हैं। अगर तब भी ना चले तो आप इस सारी वायर्स को निकाल लीजिएगा, आप जिस सीक्वेंस में लगी हुई है, जैसे ये नेगेटिव वाली सबसे पहले ग्राउंड में आपने लगाई थी, बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो थी वो आपने लाइन में लगाई थी, तो इनको निकालने के बाद आप इसे कंप्यूटर में लगाकर दोबारा से इसका आप सॉफ्टवेयर अपलोड कर दीजिए, तो जो अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो सॉल्व हो जाती हैं। दूसरी चीज़ है कि जो इस मोटर को आप सप्लाई देंगे, मेरे पास तो ये इस तरह का एक अडॉप्टर है जो 3 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक मेरे को सप्लाई देता है। और दूसरी बात है कि आप इसको किस डायरेक्शन में घुमाते हैं, नहीं तो आपको उल्टे अक्षर दिखाई देंगे, तो आप देख लीजिएगा। अगर आपने इसके कनेक्शन रिवर्स कर लीजिए अगर आपको उल्टा दिखाई देगा, तो इस तरह का अगर एक अडॉप्टर हो जिसमें अलग अलग वोल्टेज हो तो आप अलग अलग वोल्टेज पर अपनी मोटर को घुमा के देख लीजिएगा कि 3 वोल्ट पे ज़्यादा बेटर आपको अच्छा व्यू आता है या 4.5 वोल्ट पे आता है। तो जनरली हम 3 वोल्ट पे से चला रहे हैं तो बहुत इस स्पीड पे काफ़ी अच्छी ये मोटर परफॉर्म कर रही है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके आपके लिए ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस पे यूट्यूब लिखा हुआ आ रहा होगा, इस तरह से आप इसमें कुछ भी अपना नाम भी लिख सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट तैयार हो गया। आई होप यू विल लाइक दिस प्रोजेक्ट वेरी मच। प्लीज़ हैव ए नाइस डे।